पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव द्वारा दिए गए बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पलटवार किया है। राजस्थान में आज मतदान हो रहे हैं। इस दौरान झलारापाटन में वोट डालने पहुंची वसुंधरा ने कहा कि शरद यादव ने जो कहा वह महिलाओं का अपमान है। वसुंधरा ने कहा कि वह इस बयान से स्तब्ध हैं। अगर इतना बड़ा नेता अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पाया तो काफी बुरा लगता है। चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि हमने 5 साल विकास करने का काम किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि राज्य में हमें बहुमत मिलेगा। दरअसल शरद यादव ने राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे पर एक विवादित टिप्पणी की थी। राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शरद यादव ने कहा कि राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे मोटी हो गई हैं, अब उन्हें आराम दिया जाना चाहिए। हालांकि वसुंधरा को उन्होंने मध्य प्रदेश की बेटी बताया। जेडीयू नेता शरद यादव अलवर की मुंडावर सीट पर कांग्रेस गठबंधन के कैंडिडेट के समर्थन में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। रैली को संबोधित करते हुए शरद यादव ने कहा कि वसुंधरा इसको आराम दो, बहुत थक गई है, बहुत मोटी हो गई है, पहले पतली थी, हमारे मध्य प्रदेश की बेटी है। शरद यादव की टिप्पणी का ये वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो पर कई लोगों ने नाराजगी भी जताई। शरद यादव ने लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की और वसुंधरा सरकार को उखाड़ फेंकने को कहा। निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।